उत्तर प्रदेश के आगरा में डोकी क्षेत्र में गुरुवार को सुबह बड़ा हादसा हुआ। स्कूल बस के इंतजार में सड़क किनारे खड़े बच्चों को कार ने रौंद दिया। इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहाबाद आगरा रोड पर जाम लगा दिया। हादसा गुरुवार सुबह 8 बजे हुआ। डोकी गांव के पास महापत में बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर अपने स्कूल की बस का इंतजार कर रहे थे, तभी फतेहाबाद रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने 5 बच्चों को रौंद दिया। कुछ बच्चों ने सड़क किनारे भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एसपी का कहना है कि हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की गई है, हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा अभी भी बरकरार है और वो कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।